फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सिविल वर्क में स्वागत है। जैसे कि आज हम लोग वीडियो के टॉपिक आपने देखा होगा, आज हम जानेंगे कि लकड़ी की चौखट मतलब वुडन डोर फ्रेम कैसी होनी चाहिए और कैसी होता है। तो डायरेक्ट हम लोग साइट पे हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर कई सारे वुडन फ्रेम लकड़ी की चौखट रखी हुई हैं। ये सागौन लकड़ी का चौखट है। आज हम बात करेंगे कि सागौन की लकड़ी की चौखट डोर फ्रेम कैसा होता है। यहाँ पे विंडो का भी डोर फ्रेम है। बहुत से लोगों ने हमसे ये कमेंट करके पूछा था कि सर बताइए कि वुडन की चौखट मतलब जो वुडन की टीक की चौखट होती है, सागौन की चौखट, वो कैसी होती है, हमको बताइए और क्या कहते हैं किस रेट में बनेगी। तो आज हम बात करेंगे इसी की कि आखिर सागौन की लकड़ी का चौखट कैसा होना चाहिए। जैसा कि देख रहे होंगे वाइट सागौन जो है वीडियो में दिख रहा होगा, कलर आपको समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ पा रहा होगा, लेकिन ये वाइट सागौन आता है। कई सागौन की भी कई वेरायटी आती है, तो ये वाइट सागौन है। ठीक, देख रहे होंगे इस जो डोर फ्रेम की जो हाइट है, जो लेंथ है वो 8 फीट है और चौड़ाई इसकी 3 फीट 8 इंच के करीब है, और ये 1.5 फीट पर वेंटिलेशन वाला है और बाकी वो डोर के लिए है 6.5 फीट। देख रहे होंगे ये होल पास है, तीन उधर 4 लोहे के लगे हुए हैं, 2 लकड़ी के। सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा वो विंडो अटैच है उस वाले डोर फ्रेम में। अलग अलग साइज के यहाँ पे रखे हुए हैं विंडो डोर फ्रेम। तो चलिए अब दूसरे वाले पे देख, यहाँ पे भी कुछ विंडो के क्या डोर के फ्रेम रखे हुए हैं सागौन लकड़ी के। देख रहे होंगे आप इनका साइज अलग है, वो अलग साइज के थे, ये अलग साइज के हैं, लेकिन हाइट इनकी भी वही है, लेंथ 8 फीट है, बस चौड़ाई में थोड़ी अंतर है, 3 फीट 5 इंच के हैं शायद ये। देख रहे होंगे, अब देख रहे होंगे पास से आपको दिखाते हैं, ये जो है इसकी 3 इंच थिकनेस है, 3 इंच ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे 3 इंच है, ऐसे ऐसे ये 3 इंच है। आप जैसे देख रहे होंगे जो आपको साइड दिख रहा है, और इस साइड इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच है, 3 इंच है इस साइड फ्रंट में, और बैक साइड मतलब 4 इंच है जो दीवार में रहेगा, क्योंकि 4 इंच की दीवार में रहेगा तो पूरा 4 इंच वो है, और जो सामने दिखेगा वो जो फ्रंट रहेगा वो 3 इंच है। तो हम लोग देखिए विंडो की चौखट के सामने, विंडो के फ्रेम के सामने खड़े हैं। ये भी सागौन लकड़ी का है विंडो चौखट, जैसा कि आप देख रहे होंगे 4 फिट है इसकी चौड़ाई, 4 फिट है इसकी चौड़ाई। देख रहे होंगे ये इधर 3 मतलब इसमें पल्ले लगेंगे, खिड़की वाले एक इधर और 2 बीच में, इसका भी वही सामने से 3 इंच है और इधर से 4 इंच है थिकनेस। इसमें देखिए 4 होल पास हैं, अब वो लकड़ी के ही हैं, आप चाहें तो लोहे के भी लगवा सकते हैं यदि लकड़ी नहीं बढ़ा रहे हैं तो, और ज़्यादा बड़ी खिड़की हैं तो बीच में एक और होल पास दे सकते हैं। और देख रहे होंगे कुछ बड़े साइज की भी खिड़की रखी हुई हैं, सब सागौन लकड़ी का चौखट बना हुआ है ये। ये देखिए पास से देखिए ग्रेन्स आपको नज़र आ रहे होंगे, अच्छी लकड़ी है सागौन की, बेस्ट रहती है। ठीक, वो जगह के हिसाब से निर्भर करती है कि यदि दीमक वाली जगह है तो लोहे का सही रहता है, नहीं तो ये भी बेहतर है। अब आगे की वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो पड़ी होगी कि आपको किस प्रकार का डोर फ्रेम बनवाना चाहिए, विंडो फ्रेम बनवाना चाहिए, लकड़ी का या फिर लोहे का या फिर जो अभी अन्य मटेरियल आ गए हैं PVC, तो ज़रूर वीडियो में चेक करिएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा लगवाना चाहिए अपनी जगह के अनुसार और अपने बजट के अनुसार, और ज़रूर देखिएगा। और इसकी नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा जो कि अभी आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी होगी, लकड़ी के डोर फ्रेम होते हैं और खिड़की होती हैं, उनको किस तरह फिट करते हैं, कितना होल पास लगाते हैं, कैसे फिट करते हैं और क्या क्या प्रोसीजर है उसका, कैसे दीमक प्रोडक्शन यूज करते हैं, काला पेंट क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, क्या मिलाते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि जो भी नई लेटेस्ट वीडियो है वो आपको तुरंत पता चल जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए।